दोस्तों, एक बार की बात है, शाम का समय था। एक शेर बहुत भूखा था। वह सुबह से शिकार की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। अचानक उसे कुछ दूरी पर एक खरगोश दिखाई पड़ा। उसे देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। खरगोश को दबोचने के लिए वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा। शेर को इतने करीब देखकर एक पल के लिए तो खरगोश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से अपने बिल की ओर भागा। पर शेर तो आखिर शेर होता है। वह कुछ ही पलों में खरगोश के पास पहुंच गया। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी खरगोश एकदम से दाहिनी ओर मुड़ गया। शेर जब तक अपने भारी भरकम शरीर को संभालता और अपनी दिशा बदलता, खरगोश काफी दूर निकल गया। शेर ने फिर से खरगोश का पीछा किया। वह कुछ ही पलों में फिर से खरगोश के पास जा पहुंचा। पर जैसे ही शेर ने उसे फिर से पकड़ना चाहा, खरगोश एकदम से बाईं ओर मुड़ गया। खरगोश को अपना बिल दिखाई देने लगा था। उसने शेर से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जी जान लगाकर दौड़ने लगा। शेर ने भी इस बात को भांप लिया। उसने भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया। लेकिन तब तक खरगोश अपने बिल के पास पहुंच गया था। उसने थोड़ी सी ताकत और लगाई और देखते ही देखते अपने बिल में जा पहुंचा। अपने हाथ से शिकार को निकलता देखकर शेर गुस्से से पागल हो उठा और खींचकर बिल के बाहर की मिट्टी खरोचने लगा। बिल के अंदर पहुंचकर खरगोश ने राहत की सांस ली। अब वह सुरक्षित अपने घर में था। अब शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने पहले अपनी सांसों को सहज किया, फिर थोड़ा सा बिल के मुहाने के पास पहुंचा और धीरे से बोला, ये तो बड़े शर्म की बात है राजा साहब कि तुम एक मामूली से खरगोश को भी नहीं पकड़ पाए। आखिर जंगल के लोगों को जब यह पता चलेगा तो वे तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। शेर ने गुस्से से अपने दांत खिटखिटाए, पर वह कुछ बोला नहीं। खरगोश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, पता है सिंह महाराज, तुम मुझे क्यों नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए, शेर ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए पूछा। क्योंकि तुम अपने पेट की आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था, और जिंदगी की दौड़ पेट की दौड़ से बड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, खरगोश ने सही कहा। जिंदगी की दौड़ सचमुच पेट की दौड़ से बड़ी होती है, और जब हमारी कोई भी दौड़ या लक्ष्य जिंदगी की दौड़ की तरह ही अंतिम विकल्प बन जाता है, तो फिर कोई भी हमें जीतने से नहीं रोक सकता है। और हाँ, सफलता पाने का यही असली रहस्य है।